रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एग्जाम फीवर। कहाँ जा रही है? एमजो के घर। I have a group study. No way. तुम इस group studies में नहीं जाओगी. Why? उधर भी boys का issue है. It's not about the boys, Amu. It's about your friend MJ. वो तुम्हें उस class में distract कर देगी. And she'll get better marks than you. So? You have to get A, na darling. You know what, Mama? You're getting paranoid for nothing. Firstly, low your tone, okay? मैं तुम्हारी माँ हूँ. And मैंने decide कर लिया है कि तुम उस group studies में नहीं जाओगी. भले ही मुझे पढ़ाना पड़े. आप मुझे कैसे पढ़ाओगे, Mama? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही. थोड़ा problem हो गया ना? अम्मू. डैडी मुझे पढ़ाएंगे। Cause if I must stay in jail, I choose my jailer. अमु, 98%? महिषा, what is this? आप शायस्ता का रिवीजन शेड्यूल बनाइए और मुझे भेजिए। You either show me the results or you're fired. एग्जाम्स, जिस उम्र में भी हो, एग्जाम तो देना ही पड़ता है। किसी को पढ़ाई में, तो किसी को लाइफ में। बच्चों के एग्जाम्स में कैसे मम्मीज बिकम वॉरियर्स, पर मम्मी के एग्जाम में कोई उनके साथ नहीं होता। I seem to have lost my child's trust. और अब उसे वापस पाने के difficult exam को मुझे पास करना है। Hey Jo, is this true? No, really, is this true? कि बच्चों को इस साल sections अब उनके marks के हिसाब से मिलेंगे। मतलब the bright ones go to A and B and the not so bright ones go to C and D. Yup, this is discrimination, guys. But Hey Jo, तो you are the PTA head ना? तूने रोका क्यों नहीं? रोक? हाँ, it's my decision. अगर मेरी बेटी 95% लेके आती है और कोई 60% और 40% वाला कमजोर बच्चा उसे रोक रहा है और टीचर उस वजह से पूरी क्लास का पेस स्लो डाउन कर रही है, I should have allowed. मतलब ए सेक्शन वाले बच्चे शेक्सपियर पढ़ेंगे और डी सेक्शन वाले केतन भगत? नहीं मेरी माँ, सिलेबस सेम रहेगा लेकिन कुछ बच्चे, कमजोर बच्चे, अब्रिज नोट्स पढ़कर पास हो जाएंगे, बाकी डिटेल्ड एनालिटिकल एसेज लिखेंगे, रिपोर्ट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा लिस्ट, यू नो whatever is required for Harvard and Yale. मतलब non-performing assets पे और क्यों invest करें, right? बच्ची assets थोड़ी ना है. And my kids are good at studies. एक दो marks की वजह से पीछे रह गए, then it's not fair ना. और मैं कानपुर से यहाँ बच्चों को B section वाली पढ़ाई करने नहीं लाई हूँ. Great. तो मेहनत करो and get the section you want. और मेरे non-performing assets? तेरे non-performing assets की वजह से बाकी बच्चे सफर नहीं कर सकते. So either fix it or deal with it. जो तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तू परफेक्ट है, तेरे बच्चे परफेक्ट है, हम ही मारेंगे, बंद कर यार ये क्लास, नहीं करना मुझे। चलो 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 बच्चों, आगे चलो। साहिल, what are you doing here? Hey Anuja, oh, I just come to साहिल, you can't do this. तुम यहाँ नहीं आ सकते ऐसे। तरुण को पता चलेगा, वो बहुत नाराज होगा। You know that? Look, I just wanted to talk to you. I understand, but यहाँ नहीं और अभी नहीं। Please घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ना हम घर पे बात कर सकते ना यहाँ। This is not done. I know. Okay. I'm sorry. जैसे exams खत्म होंगे, मैं खुद बात करूँगी तुमसे। मैं आऊँगी तुम्हारे पास। लेकिन अभी चल जाओ। We must off. We will. Please just go. शायस्ता, English 94, Hindi 89, French 99, Math 56. इसकी मैथ की वजह से इसकी परसेंटेज नीचे आ जाती है। आप तो खुद मैथ की टॉपर रही होंगी, राइट? So sorry, miss. मेरी मैथ इनकी तरह कभी नहीं हो सकती। Because she's not my mother. I'm adopted. We'll work on it. यार प्रीति, ऐसा कैसे चलेगा यार? तेरे घर में कर्फ्यू लगाने क्या सूझी है? इनके दोनों के नंबर नहीं आए ना, तो स्कूल ने कर्फ्यू लगा देना है। अरे तो इन नालायकों को मना करना टीवी देखने से, मेरे क्यों पीछे पड़ी है? मुझे जो करना था ना, मैंने कर डाला है। अब बहस एग्जाम्स के बाद करना। करा लो बंद टीवी, ये तो हाल है। ओए विक्की, बॉल छड़े थे आप पढ़ने। हेलो, क्या कर रही हो? चिलिंग। पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? Two roads diversion in Yellowwood. I'm sorry, I couldn't travel both and be one traveler. Longest road and lockdown as far as huh? I... What's this? Mom, it's a poem written by Frost. And आपको मालूम है, मैं ये 110 times revise कर चुकी हूँ. Great, I'm very impressed. But overconfidence is not a good thing.
Stop pushing me. मैंने पढ़ाई कर ली है. I'm your mother. It's my job to push you. If you get 97%, it's my job to push you to get 98%. If you get 98%, it's my job to push you to get 99%. And अगर मेरे को 99% नहीं लाने तो क्यों? Are you stupid? कितना मजा आएगा ना मॉम जब आपकी बेटी टफर सेक्शन में जाएगी तो कितना मजा आएगा. You have the guts to speak to me like you this. Have the guts. मॉम आप फेल हो चुके हो. आपके सीक्रेट्स आपके झूठ सब पता है मुझे. अगर आप अपने मैरिज में फेल हो सकते हो तो मैं मेरे एग्जाम में फेल नहीं हो सकती. निकी यू आर स्लीपिंग. रिविजन हो गया? नहीं आपने तो करवाया ही नहीं. तो तुम खुद ही कर लेते. हाँ वैसे भी आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है. निकी चलो उठो लेट्स स्टडी. कम हे निक पढ़ाई की पूरी रात. मैंने भी की और मेरे अल्जेब्रा के सारे फंडे क्लियर हो गए. अल्जेब्रा? हाँ. अरे एंटमैन आज तो साइंस की एग्जाम है तू अल्जेब्रा की बात क्यों कर रहा है? आर यू मैड? इट्स मैथ एग्जाम. वाओ साइंस मैंने उन स्टूपिड बच्चों का सुना था जो रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ के आ जाते हैं. आज देख भी लिया लूजर. गलत सब्जेक्ट पढ़ के आया. अमु पेपर कैसा था? I'll tell that. तुमसे तो मैं बहुत दुखी हूँ. निकी कहाँ? आंटी वो तो चला गया. उसने एग्जाम ही नहीं दिया. चला गया? आंटी वो गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आया था. सर मैं निखिल. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम था ना. ये आपका लड़का है? जी. बस स्टॉप पे था. नागपुर की बस में कानपुर का टिकट मांग रहा था. बस वाला ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया. पैसे भी नहीं है उसके पास. निकल इधर. क्या कर रहा था? कहाँ जा रहा था? मम्मी ने गलत सब्जेक्ट सिखा दिया. वैसे ही मैं फेल होने वाला था और आप लोग मुझे डांटने वाले थे इसलिए मैं भाग के दादी के घर जा रहा था. क्या सर कैसी माँ है? बच्चे को गलत सब्जेक्ट पढ़ा दिया. हम भी वर्किंग वूमन हैं. हमारे भी बच्चे हैं. हम भी पढ़ाते हैं उनको. पर ऐसा नहीं होता सर. आपसे बच्चे संभलते नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? वो गलती हो गई. मतलब बच्चे से गलती हो गई. सॉरी. चला. वो ऐसे थोड़ी ना करते हैं. हाँ फेल ही हो जाते ना. सो व्हाट? निकी 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 घर पर है क्या? नहीं मैडम निखिल तो नहीं है. पिक अप द फोन. निकी निकी तुम्हारे साथ था? मम्मी जी एक बच्चा कम था. रियलाइज कर लिया? वाओ स्टॉप इट अनमोल. मैं निकी को स्कूल छोड़ आई और जब मैं लेने गई थी ही वाजंट देयर. गलत सब्जेक्ट पढ़ा के इसे एग्जाम देने भेज दिया तुमने. वेयर इज योर माइंड? पुलिस पकड़ के लाई है इसे. ही वाज रनिंग अवे. चलो अंदर चल के मुंह हाथ धो लो पहले. चल तू भी. मम्मी जी कैसे आए? मैंने बुलवाया. तुम नहीं संभाल पा रही हो यार. अपने आप को खो रही हो. अपने बच्चों को खो रही हो.
I thought you needed some help. और तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प करेंगी। अगर मेरी मदद करने की इतनी फिक्र थी ना, तो तुम्हें करनी चाहिए थी। But you just left me all alone. हम पेरेंटिंग टीम है ना? तुम जीएम मॉम्स के कंपटीशन में अपनी फैमिली को भूल रही हो। और तुम्हारे इस नए शौक को पालने के लिए दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें बड़े शहर में बड़े स्कूल में बच्चों को डालना था ना, here they are, they're studying. But you know what, Meera? I'm bankrolling this entire tamasha. मेरा ऑफिस पवाई में है, लेकिन हम 2 घंटे दूर टाउन में रहते हैं टू बी क्लोज टू द बेस्ट स्कूल। मैं रोज 4 घंटे कम्यूट करता हूँ यार, 4 घंटे। And I need to put in extra hours to work so that we can make some more money to support this lifestyle. Come on, yaar. कहती हो कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूं। Get your facts right. I only want the best for my... Yeah, well, you failed. एक कंपेटिटिव माँ बनने के चक्कर में मैं वाइफ के एग्जाम में फेल हो रही थी। आज मुझे लगा कि मैं ना सिर्फ अपने हस्बैंड का भरोसा तोड़ रही थी, पर उसे और कमजोर कर रही थी। And we were becoming weaker as a couple. And I wanted to fix this. मम्मी, क्या कर रहे हो? फर्रे, तुम लोग सीधे रास्ते तो पास होने नहीं वाले हो, तो चीटिंग कर लेना। नहीं नहीं मम्मी, आप पढ़ा लो ना, ये डीजे का हमसे मत कराओ। इसमें से थोड़ा अचार निकाल के छोटे डब्बे में मैंने डाल दिया है सर्व करने के लिए। ठीक है ठीक। और ये डब्बे बेटा ऊपर रखना वापस, सारा कुछ संभाल देना। मम्मी भूख लग रही है। पढ़ाई का नाम सुनते ही भूख लग जानी है। एक ना चित्तर पड़ेगा, हैं? चल मार अंडा। आ जा भाई, आज तेरे को स्कॉच पिलाता हूँ। आ बैठ। चल। ओ प्रीति। मार अंडा। ओ जरा उस दिन वाले चिकन लगवा दे यार। वो क्या है ना, इसकी बीबी ने इसको खाना देना बंद कर दिया है। देखिए पुत्र, जरा बर्फ ले। थैंक यू यार। और बता, झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं। हेलो मैम जी, नमस्ते, आपसे बात करनी थी एक मिनट। तुपी मैं आ। क्या हुआ? क्या चल रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं ना एग्जाम्स? अगर घर में पार्टी हो रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बर्फ रुकना एक मिनट भाई साहब, डोंट माइंड। हाँ पर आपके मिसेज ने जरूर मना किया होगा, है मिंटी पढ़ रही होगी, आप यहाँ चले आए। और तमीज से बोल, मेहमान है और एग्जाम पास करके कौन सा लाट साहब बन के नौकरी करनी है इनको? और प्रमोद यार, अपने बेटों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? साला एक नारीमन पॉइंट के मॉल से इतना किराया आता है मेरा, राज्यों की तरह जीते, कौन सी कमी है? तो गवार बनाए, अनपढ़ है, शराब पिए बैठ के, खुजलाए आपके जैसे। कौन सा वही गौरव यार, थोड़ा देख प्रीति, मेरा दिमाग खराब ना करिए। बेटा, I'm right here. पापा मत जाओ, मेरे फ्रेंड के पापा भी चले गए। Not going anywhere, baby. I'm right here with you. What the hell, Anuja? He must have heard Mahesh and me speak, Tarun. I can't help it. She's out of control. मुझे कुछ नहीं सुनना. You're messing up my kids. काम दिया था तुमसे वो भी नहीं होता. I do the best I can to protect you and protect my children. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। महिषा can see. I can't control everything and you can't blame me for everything. Happy family की photographs post करो, I don't care. लेकिन अगर घर की माहौल की वजह से मेरे बच्चों के मार्क्स कम हैं, you watch it. शायस्ता, आपको angry होना है, हो जाओ,
यू वांट टू स्क्रीम मॉम आई हेट यू दैट्स आल्सो ओके क्योंकि तुम मेरी बेटी हो माय चाइल्ड सबको अपना बच्चा चूज करने का चांस नहीं मिलता बट आई हैड दैट वन चांस एंड आई चोज यू सो मेरा डीएनए आपको मिला हो या ना मिला हो ये मैथ तो मैं सिखा के रहूंगी मेड्स भी नहीं आई ना आज तू बच्चों को वही छोड़ा है क्या बिगाड़ने का शौक है ना तो बनाए उन्हें अपनी तरह मुझे क्या आर यू क्रेजी अकल से काम ले घर वापस जा अगर सेपरेशन भी करना है ना तो अच्छे से लीगली करना सेपरेशन अरे जो मैं ऐसे ऐसे कुछ पागल है क्या हाँ आज धक्का दिया कल तेरे को मारेगा डोंट यू नो दिस मैन इफ यू डोंट स्टॉप देम इट ओनली गेट्स वर्स अगर तूने आज हाथ उठाने दिया इट गिव्स देम अ लाइसेंस टू हिट यू Men need to be stopped. Just stopped. ओए विक्की, तेरे को बर्फ लाने कहा ना? समझ में नहीं आता? तू बाप को धक्का देगा? ये सिखाया तेरे को? अभी तो मम्मी के साथ यही तो करते हो. बढ़िया है मेरे को सिखाने. ये जो तरुण ने तुझे कभी? तुम्हें सिली तरुण. I'm blessed. पागल हो गई है तरुण वुड नेवर एवर नो चांस वही मैं सोचूं प्रीति एजो जैसे बन एजो कभी ना ये सब बर्दाश्त ना करती मैं भी नहीं करूंगी एजो तू देख गौरव हाय आकाश लिसन आकाश आई एम रियली वरीड मुझे बैंक से सामान निकालना था पर वहाँ दिखा रहा है कि एक्सेस डिनाइड या बट डोंट वरी कुछ ड्यू प्रोसेसेस में प्रॉब्लम रही होगी मैं अभी बैंक से बात करता हूँ सब ठीक हो जाएगा थैंक्स आकाश लव यू लव यू लव यू वेल लव के बारे में ही कुछ बात करनी है तुमसे बट पहले बैंक फिर लव आई सी यू एट लंच Okay, great. Vicky, take me out here. यार प्रीति अब माफ भी कर दे यार तू सही कहती है मैं ना एकदम निखट गवार हूँ मेरे मैनर सही नहीं तेरी वजह से ही हम जानवर सुधरे हुए तू हमारी रिंग मास्टर नहीं है ना विक्की तू जानता है तेरे नाना जी ना बड़े जेंटलमैन आदमी थे कहते थे कि प्रीति की शादी वैसे ही बंदे से करूंगा जो मेरी तरफ पढ़ा लिखा हो पर तेरे पापा को तेरी मम्मी बहुत पसंद आती तो तेरे पापा ने नाना जी से कहा अब अपनी कुड़ी हमें दे दो कुड़ी के हाथ में चाबुक भी दे दो वो जैसे बोलेगी जी हम ऐसे सुधर जाएंगे सॉरी मम्मी पापा ये बात भूल गए लेकिन नालायको तुम दोनों कान खोल के सुन लो अगर किसी से कुछ सीखना चाहते हो ना तो अपनी माँ से सीखो मेरा एग्जाम्पल लेके मेरी तरह मत बन जाना मैं अभी आता हूं तुम्हारे लिए ड्राइव कर रहे हो ओ नहीं यार है? तुमने कहा था गलत बात है ड्राइव नहीं यार ये तेरे फेवरेट स्टोर से लेके आया हूं करना 50% मार्क नहीं आए ना तो तुम दोनों का जीना हराम कर देना मैंने तू ना हमें वर्क इन प्रोग्रेस समझ और तुम्हारी गलतियां पकड़ती रहे वैसे ही हम सुधर जाएंगे डील आकाश फर्नांडिस मिसेस शर्मा राइट देयर बैंक लॉकर डन Let's celebrate. Oh, Akash, I was so worried. Thank you so much. Really. तुम तो बहुत जल्दी से टेंशन ले लेती हो. Come sit. बस कुछ पेपर साइन करने थे. इतना पैनिक करने की क्या जरूरत थी? पैनिक तो सीक्रेट का है. I feel so bad मैं अनमोल को झूठ बोलती रही. लेकिन अब मैं उसे सब कुछ बताने वाली हूँ. You're very sweet, Meera. मैं भी तुमसे कुछ बात करनी थी. You know.
Actually, I've fallen in love. What? Yeah. मुझे लगता था कि I would never be able to fall in love again. पर अब सालों बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया है. Oh really? How nice. Anmol. How did you know मैं यहाँ हूँ? Nice flowers. So तुम्हें प्यार हो गया? Anmol, it's not like you know. खुल के बताओ यार. वैसे भी आजकल तुम दोनों के बीच ज़्यादा secrets हैं. हम दोनों से कहीं ज़्यादा. Sit down. So let's hear your story. This प्यार प्यार. Anmol, I'm not in love with Akash at all. What? What? मेरे और आकाश के बीच में कोई अफेयर नहीं है. तुम्हारा आकाश के साथ कोई अफेयर नहीं है. तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मैं मीरा को यहाँ ये बताने आया था कि yes I'm in love, but not with her. मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ बताने आया कि ये तुम्हें कोई मिल गया. Yes. मीरा, तुम्हारा आकाश के साथ अफेयर नहीं है. अफेयर सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं, इमोशनल अफेयर्स भी होते हैं, जहाँ तुम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हो. फर्स्ट गुड मॉर्निंग, लास्ट गुड नाइट, इमोशनल डिपेंडेंस. अनमोल, ऐसी बात नहीं है. बिलीव मी, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन बैंक वालों ने मुझे पहले बता दिया. उनका फ़ोन आया था और कह रहे थे कि आप और आपकी वाइफ आए थे, लेकिन कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर्स रह गए हैं. किस हस्बैंड के साथ गई थी? अनमोल, अनमोल लिसन, आकाश सिर्फ मेरी मदद कर रहा था. वो मम्मी ने कहा कि बैंक अकाउंट खोल दो. उन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी और पैसे दी थी और कहा कि सेव इट फॉर अ रेनी डे. तुम्हें बस, लेकिन तुमने ये बात मुझसे नहीं, आकाश से शेयर की. तुम्हें पता है ना मम्मी कैसी है. तुम्हारी मम्मी के लिए तो मैं हमेशा से ही रॉन्ग चॉइस था, वर्किंग क्लास बॉय. पर तुम 13 साल की शादी के बाद तुम मुझे समझती नहीं हो कि मैं क्या सोचता हूँ. मेरा, मैं जानता हूँ तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती. तुम्हें वो चीटिंग जीन है ही नहीं यार. लेकिन मेरा, चीटिंग सिर्फ एक किस्म की नहीं होती. तुम और मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ या मम्मी डैडी नहीं है, हम अच्छे दोस्त है यार, फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स. लेकिन तुमने वो सब बातें अब आकाश से शेयर की. मुझसे गलती हो गई. I'm sorry. की बैक में पेन था, मैंने उन्हें कहा हमारे रूम में सो जाए. अनमोल, प्लीज टॉक टू मी ना. अब क्या बात करनी है, जो हो गया सो हो गया. प्लीज बिलीव मी ना अनमोल, मैंने मम्मी को बहुत बोला और मैं लॉकर इसलिए गई थी कि मैं तुम्हें हेल्प करूं. एक्चुअली ये स्कूल और इन एजोज ने मुझे पागल कर दिया है. हम एक काम करते हैं, हम बच्चों को एक नॉर्मल सिंपल स्कूल में डाल देते हैं. बच्चे यहीं जाएंगे, भूलो मत, ये हमारा सपना था. अच्छा, मैं अनकंडीशनल सॉरी मांग लेती हूँ, सब मेरी गलती है. या फिर मैं दिखा दूँ कि मैं कितनी सॉरी हूँ. What? तुम्हें याद है जब हम डेटिंग शुरू की थी और एक बार तुम बहुत नाराज हो गए थे और मैं तुम्हारी घर आई और यू नो पहली बार वो वाला सॉरी चलेगा? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे सॉरी मांग लेती हूँ. माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो वाला सॉरी चल.
too. That's the best part of being a couple. कि दुनिया और बच्चे एक तरफ और मम्मी पापा की टीम एक तरफ. जितने भी सीक्रेट्स, जितनी भी कंफ्यूजन्स, सब छोटे पड़ जाते हैं अगर आपस में ट्रस्ट हो. और अगर परफेक्ट पार्टनरशिप की टीम में पार्टनर्स की आपस में बने नहीं तो और भी मुश्किलें बढ़ती रहती है. और कभी कभी टीम पार्टनर ऐसा कुछ कर देता है जो माफी के लायक नहीं होता, पर हम माफ कर देते हैं क्योंकि वी ऑल ट्राई कि पेरेंटिंग की गाड़ी चलती रहे. पर ये टीम कब तक चलेगी ये तो टाइम ही बताएगा. नेक्स्ट तारा, चलो बात टाइम. Shoulders, yes, you got strong. No downsy, no bouncy. No downsy, no bouncy. Come, go under the water. Come on, good. Yeah, wait, now let her. Yeah. What happened? Hey, why is Sarah crying? Why is your sister crying? No. I don't want to go to school. No. Mr. Avasthi, sir, I was thinking. I think we have been very harsh on the kids. हमने वो जो मेरिट बेस्ड सेक्शन वाला रूल बनाया है ना, आई थिंक इट्स नॉट फेयर. वी शुड ट्रीट ऑल द चिल्ड्रन इक्वली. आई बिलीव इन इक्वालिटी. मिस्टर अवस्थी, माई डॉटर हैज बीन मोलेस्टेड ऑन योर स्कूल प्रमाइसेस.